आपने ये तो जरूर देखा होगा कि हमारे ऋषि और मुनि, हमारे योगी जो हैं, हिमालय में बैठकर कठिन से कठिन जो एक्सट्रीम वेदर होता है, तो अपनी तपस्या में कैसे लीन रहते, अपनी साधना में कैसे लीन रहते हैं। योग के अभ्यास के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे प्राणायाम का अभ्यास, साथ ही इसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगी कुछ योग मुद्राएं और बैठने के आसन, जिससे कि आपके शरीर में नेचुरली गर्माहट आएगी। यानी सर्दियों के मौसम में तो अगर इन प्राणायाम का अभ्यास निरंतर आप करते रहते हैं, आलस दूर भागेगा, शरीर में गर्माहट आएगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके अलावा और क्या हम जानेंगे, किस तरीके से इन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, अलग अलग प्राणायाम का लाभ क्या है, सावधानियां क्या है, कितनी देर करना है, किस तरीके से करना है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक जानकारी को मैं बहुत बारीकी से बताने वाली हूँ, इसीलिए हर एक बारीकी को समझिएगा और अभ्यास भी जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? अब सीखते हैं किस तरीके से करेंगे इन प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सबसे ज़रूरी जो बात होती है कि आप कौन से आसन में बैठे हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सीधी हो। कभी भी ऐसा ना हो कि जब आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसे झुक जाए, या इस तरीके से ऐसे आप, बहुत से लोगों की टेंडेंसी होती है, तो आप हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और बैठने का जो आसन है वो आपका कंफर्टेबल हो। अगर आप इस तरीके से फ्लोर पर नहीं बैठना चाह रहे हैं तो कुर्सी पर भी बैठकर आराम से अभ्यास किया जा सकता है। शर्त यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। पालथी मार के आराम से क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ गए हैं और अब हम सबसे पहला जो अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास जब हम करते हैं ना, तो इससे हमारे शरीर में गजब की ऊर्जा एनर्जी देखने के लिए मिलती है, शरीर में गर्माहट आती है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो ये अभ्यास वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है। जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली कफ, कोल्ड या म्यूकस बहुत जमा हो जाती है, कफ बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो वो कफ को भी रिड्यूस करने में बहुत मदद मिलती है। ब्रोंकाइटिस की समस्या, अस्थमा की समस्या, जिनका डाइजेशन बड़ा वीक है, ऐसी समस्याएं छूमंतर होंगी कुछ ही दिनों में। साथ ही सर्दियों में इसका अभ्यास जब आप करते हैं तो आपको एक तरीके की गर्माहट आपके शरीर में देखने के लिए मिलती है। सर्दियों में हमारे अंदर बहुत आलस रहता है, किसी भी काम को करने में बहुत आलस महसूस करते हैं हम, तो उस आलस को भी दूर भगाती है, साथ ही पूरे दिन को काम करने के लिए शरीर को ऊर्जावान बनाती है और आपके मन मस्तिष्क की सोई हुई नस नाड़ियों को जगा देती है। ये तो जो मैं आपको बेनिफिट बोल रही हूँ, जो आपके मन मस्तिष्क को जगा देने वाली बात है, ये तो कुछ राउंड का अभ्यास करने के बाद ही आप खुद देख लेंगे। भस्त्रिका का अभ्यास जब आप करते हैं तो जैसे लोहार अपनी भट्टी की आग तेज करने के लिए एक तरीके की धौंकनी का इस्तेमाल करता है, उसको देखते ही हुए ही भस्त्रिका का अभ्यास किया जाता है। किस तरीके से करेंगे, क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ गए हैं, दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरीके से खोलें, ठीक है, ऐसे खोलें, सांस लेते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरीके से छत की तरफ उठाएं, अभी भी उंगलियां खुली हुई हैं ये देखें, फिर उसके बाद मुट्ठी बनाएं और मुट्ठी बनाने के बाद नीचे की तरफ इस तरीके से ऐसे पुल करें इन मुट्ठियों को, ठीक है। फिर से देखें, हाथ उठाया, सांस लिया नाक से और फिर नीचे की तरफ पुल करते हुए नाक से सांस को छोड़ दिया। इस अभ्यास को करने के लिए आंखों को बंद कर लें और मुंह को बंद कर लें, फिर नाक से सांस लें, तरीके से बड़े धीरे धीरे अभ्यास कीजिएगा इस तरीके से। कम से कम 20 से 30 रिपीटेशन इसके आराम से धीरे धीरे कीजिएगा।
जब आपका कुछ दिनों तक ऐसा अभ्यास हो जाए तो इसकी स्पीड को आप बढ़ा दीजिएगा। किस तरीके से? ऐसे। और फिर उसके बाद आंखों को बंद किए हुए हाथ को घुटने पर रख दें और अपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़कर चिन मुद्रा लगा लें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और ध्यान को तुरंत अपने माथे पर लेके जाएं और जो भी बदलाव सहज स्वाभाविक हो रहे हैं उनको जानें। बहुत से लोगों का सर जो है घूमेगा, चक्कर आएगा, हल्का चक्कर आएगा, माइंड कुछ देर के लिए ब्लैंक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, बहुत नेचुरल हैं। भस्त्रिका का अभ्यास करने के बाद ऐसा होता है। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा कंडक्ट की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है और इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को देश और दुनिया में बैठे हुआ कोई भी इंसान ज्वाइन कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, पहले योग का अभ्यास नहीं किया है और या ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन है जैसे डायबिटीज़, थायराइड, रात में नींद ना आना, PCOD, PCOS की समस्या, हार्ट से रिलेटेड समस्याएँ, सांस लेने में तकलीफ ऐसी समस्याएँ या कि फिर डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएँ, ऐसी कंडीशन में ये क्लासेस आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं क्योंकि मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को इन क्लासेस से बहुत ज्यादा स्वास्थ्य लाभ मिले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इन क्लासेस में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा तो इन क्लासेस में आपको अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान कैसे करते हैं, रिलैक्सेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी। अगर किसी कारण से आप इन क्लासेस को स्पेसिफिक टाइम पर जूम पर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ ऐसे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं जो कि बिगनर फ्रेंडली हैं। इसमें भी एक घंटे की क्लासेस होती हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान ये सब आप सीखते हैं, वो भी अपने घर के कंफर्ट जोन में, अपने घर पर ही रह के। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बारे में और जानकारी कैसे मिल सकती है तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com या कि फिर यहाँ पर मैंने ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं ना तो आपको क्लास के बारे में सारी की सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। तो देर किस बात की, जाइए मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए या कि फिर एक व्हाट्सएप कीजिए और शुरू करते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे कपाल भाति क्रिया का। पिछले अभ्यास में मैंने आपको दिखला दिया सुखासन में बैठे थे, चिन मुद्रा लगाए थे। अब हम जो आसन है बैठने का आसन उसको बदल ले रहे हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आराम से आप इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन पे भी बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। तो आपने दोनों पैरों को ऐसे खोल लिया क्योंकि बहुत देर से बैठे भी थे ना, तो पैरों को ऐसे टैप कर लिया, फिर एक एक करके दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ा इस तरीके से ऐसे, और फिर दूसरे पैर को घुटने से मोड़ा। जिनको घुटने में दर्द है वो इस तरीके से आसन में ना बैठे, आप बहुत तकलीफ महसूस करेंगे। तो इस तरीके से अंगूठों को जोड़ा, एड़ियों को बाहर रखा, दोनों घुटनों को मिला के रखा है और अब हम दूसरा एक बहुत एनर्जाइजिंग प्राणायाम करेंगे जिससे शरीर में ऊर्जा आएगी, एनर्जी आएगी। और सर्दियों के मौसम में तो आप ऐसे मतलब बेफिक्र रहेंगे कि आपको जैसे सर्दी लग ही नहीं रही है, लेकिन इस बीच आप स्वेटर पहनना मत भूल जाइएगा। पिछले अभ्यास में हमने चिन मुद्रा लगाई थी, इस अभ्यास में हम लगा सकते हैं आदि मुद्रा। इस तरीके से उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ लें, चारों उंगलियों को पाम की तरफ मोड़ लें, हथेली की तरफ मोड़ लें और उसके ऊपर आपने इस तरीके से अंगूठे को लॉक कर दिया है, यानी उंगलियां अंदर, अंगूठा उसके ऊपर, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लिया। अब अपने चेस्ट को रिलैक्स करेंगे और अपनी बेली को मूव करेंगे फोर्सफुल एक्सेलेशन करके। आंखों को बंद कर लिया है एंड कपाल भाती क्रिया। अभी हम सिर्फ 20 पंपिंग कर रहे हैं ताकि आप सिर्फ समझ जाएं। जब आप इसका अभ्यास करें तो कम से कम एक मिनट का अभ्यास जरूर करेंगे। तरीके से अभ्यास कर लें तो आंखों को तुरंत ना खोलें, ध्यान को माथे पर लेके जाएं और सहज स्वाभाविक जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको जानें। कितनी देर अभ्यास करना है? कपाल भाती का अभ्यास कम से कम आप एक मिनट के 3 सेट कर लें, यानी 3 मिनट से 5 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं।
कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ खाना खाने के तुरंत बाद इसका अभ्यास नहीं करना है। कोशिश करें हर एक प्राणायाम आप या तो सुबह करें या शाम करें, लेकिन अगर सुबह शाम टाइम नहीं मिलता तो कभी भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि पेट जो है खाली होना चाहिए, सोने से एकदम पहले नहीं करेंगे इसका अभ्यास। अब जान लेते हैं इनके कपालभाति करने के लाभ क्या हैं और सावधानी क्या है। कपालभाति का अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो किसी भी तरीके के शारीरिक जो रोग हैं वो छूमंतर होंगे, क्योंकि ये आपके शरीर की जो ब्लॉकेज है इसको ओपन करती है, खोलती है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, प्राण का प्रवाह जो है वो इम्प्रूव करती है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, जिससे डाइजेशन रिलेटेड समस्याएँ तो ऐसे छूमंतर होंगी, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है वो छूमंतर होगी, वेट लॉस करने में भी बहुत मदद मिलेगी, आँख नाक कान का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे थायराइड हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, किडनियों का डिसऑर्डर है, इन सब में कपालभाति आपको बहुत मदद करने वाली है। अगला अभ्यास करने के लिए फिर से पैरों को खोल लेते हैं और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखते हैं और फिर पैरों को इस तरीके से टैप कर लेते हैं ऐसे। अब वापस से क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाते हैं, सुख आसन इसको कहते हैं, सुखासन। सुखासन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखा और फिर उसके बाद अब हम अभ्यास कर रहे हैं सूर्य अनुलोम विलोम का। नाम से ही पता चल रहा है, सूर्य मीन्स सन, सन जहाँ होगा वहाँ गर्मी होगी ही होगी। तो इससे इसका अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट पाम से चिन्ह मुद्रा लगानी है, इस तरीके से चिन्ह मुद्रा लगानी है, थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ ऐसे जोड़ लिया, बाकी की तीन उंगलियां बाहर की तरफ हैं, ऐसे घुटने पर रख लिया और राइट पाम से आपको लगानी है, क्या लगाना है, विष्णु मुद्रा। ऐसे मुट्ठी बनाई और मुट्ठी बनाने के बाद लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली को ऐसे उठा देना है, बहुत पीछे नहीं खींचना है, ऐसे यू बन जाए तो अपने अंगूठे से अपने नाक को, राइट नाक को यहाँ पर इस तरीके से, अंगूठा राइट नाक के पास रहेगा और जो बाकी की दो उंगलियाँ हैं लेफ्ट नाक के पास रहेगी। अब चूंकि सूर्य अनुलोम विलोम है तो लेफ्ट नॉस्ट्रल को आपको बंद करके रखना है विद द हेल्प ऑफ योर रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर ऐसे, और राइट नाक को खोल के रखना है और फिर उसके बाद आप अपने राइट नाक से सांस ले रहे हैं और राइट नाक से ही सांस को छोड़ दे रहे हैं। आंख को बंद कर लेंगे, इनहेल थ्रू योर राइट एंड एक्सहेल थ्रू योर राइट, इनहेल थ्रू योर राइट एंड एक्सहेल थ्रू योर राइट। शुरू के कुछ दिनों तक जितनी सांस लें उतनी ही सांस छोड़ें, यानी कि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं और फिर उसके बाद जब कुछ दिनों का अभ्यास हो जाए, हफ्ते 10 दिन का अभ्यास हो जाए, तो जितनी सांस लें उससे दोगुनी सांस छोड़ें, यानी 4 काउंट तक अगर सांस लें 1 2 3 4 और फिर सांस छोड़ें 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से देखिए, सांस ले रही हूँ राइट से और सांस को राइट से ही छोड़ रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, यानी राइट से ही सांस लेना है, राइट से ही सांस को छोड़ना है। अगर आपने इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास लगातार कर लिया और सिर्फ 15 मिनट कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली गर्माहट महसूस करेंगे और बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पसीने भी आ जाते हैं। सूर्य अनुलोम विलोम का अभ्यास वो लोग ज़रूर करें जो सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बहुत लो एनर्जी रहते हैं, या कि फिर ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो रहता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर रहता है, तो इसका अभ्यास निरंतर करते रहें। कम से कम इसका अभ्यास आपको 15 मिनट ज़रूर करना चाहिए अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, और अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसका अभ्यास ऐसा नहीं कि बंद कर देना, आपको इसका अभ्यास 3 से 5 मिनट कर लें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर इन तीनों प्राणायाम को आप अलग अलग करना चाहें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो कभी भी आप भस्त्रिका का अभ्यास कर लें, फिर दूसरे दिन कपालभाति का अभ्यास कर लें और तीसरे दिन आप सूर्य अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास मात्र 15 मिनट में आप
कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो देखा आपने, स्टेप बाय स्टेप हमने सीखे इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास, लगाई साथ में मुद्राएं और किए अलग अलग तरीके के बैठने के आसन के अभ्यास। आशा करती हूँ ये सारी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसका अभ्यास आपको निरंतर करना है ताकि इससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊँ, बिना झिझक के मुझे नीचे कमेंट करिए और ये भी बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और निरंतर योग का अभ्यास करते रहें। अगली वीडियो में आप सभी से जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्ते।